तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम पिछले वीडियो लेक्चर में समुद्रगुप्त के बारे में बात की, उससे पहले वाले में चंद्रगुप्त के बारे में बात की। इस वाले लेक्चर में हम समुद्रगुप्त के दो बच्चों के बारे में और उसमें लास्ट में सबसे मेजर चंद्रगुप्त टू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कि जितने हमारे न्यू सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, आप अगर आपको यह कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तब ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं नेक्स्ट अपना वीडियो लेक्चर को और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने ले आऊँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बिहार स्पेशल, जो हर अन्य एग्जामों बिहार में आते हैं और सबसे मेजर 70th BPSC में जो बिहार के क्वेश्चंस फंसा देते हैं। ठीक है, वो भी आउटसाइडर जो बिहार के बाहर हैं, बिहार में भी रह के भी बहुत लोग क्वेश्चन बिहार के नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, उनके लिए टॉपिक सबसे मेजर है बिहार SI का एग्जाम, जहाँ होगा जहाँ बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सामने मेजर मेजर टॉपिक पे को अभी वीडियोस ले आया जाए, जिससे आपके प्रिपरेशन और रिवीजन दोनों साथ होते हैं। तो ये जो आप चार्ट मेरे सामने देख रहे होंगे इसको आप समझेंगे नहीं, चंद्रगुप्त टू तो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा मगर फिर उसके बाद में एक बार हट जाना हो आप समझ नहीं पाएंगे इस चार्ट में ये चार्ट कहना क्या चाह रहा है, ये क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये हेडिंग भूल जाइए, पहले चलते हैं अपने पुराने वाले वीडियो लेक्चर में। पुराने वाले वीडियो लेक्चर में हम समुद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त के बेटे थे, चंद्रगुप्त 1 के। ठीक है, चंद्रगुप्त 1 कब आए थे, किसको सक्सीड करके, श्रीगुप्त, क्योंकि श्रीगुप्त वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्त से पहले कौन था, घटोत्कच थे, मगर मेजर रूलर कौन थे, श्रीगुप्ता। और गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन रखने वाले सबसे पहले रूलर कौन थे, ये थे चंद्रगुप्त 1। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था, समुद्रगुप्त को आपके विक्रमादित्य नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त 1 को किस नाम से जाना जाता था, महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था। ये लोग जब अपने टाइम पे लड़ाई लड़ते थे और जीतते थे तो ये लोग अपने नाम में एक ऐसा चीज जोड़ते थे जो उनके नाम को सुशोभित करे। तो चंद्रगुप्त 1 ने अपने नाम के आगे महाराजा धीराज लगाया था। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को किसने कहा था, मैंने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया, VA स्मिथ को। इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे समुद्रगुप्त से ही स्टार्ट होगा मगर फिर ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको समझ में आने लगेगा। तो समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम रामगुप्ता था, छोटे बेटे का चंद्रगुप्त नाम था। तो चंद्रगुप्त नाम 2 नहीं था, ये हम अपने समझने के लिए चंद्रगुप्त 2 के नाम से इनको जानते हैं, जिनका एरा ऑफ टेन्योर 380 से 415 AD तक रहा, 25-30 साल इन्होंने रूल किया। रामगुप्ता की जो शादी थी वो ध्रुव देवी से हुई थी, रामगुप्ता की शादी ध्रुव देवी से हुई थी, मगर साका चीफ बसाना ने जब गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया था तो उस समय रामगुप्ता हार गए और डर के अपने वाइफ अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ साका के राजा बसाना को देने के लिए तैयार हो गए। ये चीज चंद्रगुप्त को अच्छी नहीं लगी, चंद्रगुप्त को ये चीज अच्छी नहीं लगी और वो चले गए अपना बसाना के ऊपर अटैक कर दिए, साका रूलर के ऊपर अटैक कर दिए, साका रूलर को हरा गया, उनको मार दिया और ध्रुव देवी को वहां से छुड़ा लिया। उनको अपने प्रेस्टीज के ऊपर वो लगा कि कैसे हमारे ऊपर ये अटैक हुआ, क्योंकि वो अपने पिता के कदमों पर चल चुके थे। ठीक है, वो जानते थे कि वो ये किसके बेटे थे और इन्होंने साका चीफ बसाना को खत्म किया, ध्रुव देवी को छुड़ाया। ध्रुव देवी को छुड़ाने के बाद इन्होंने रामगुप्ता को भी गद्दी से हटा फेंका और शायद लड़ाई में रामगुप्ता की मृत्यु हो गई। गद्दी के लिए सत्ता के लिए लड़ाई हो जाती है रामगुप्ता चंद्रगुप्त में, और दोनों में जब युद्ध हुआ तो रामगुप्ता की मृत्यु हो जाती है और ध्रुव देवी जो कि रामगुप्ता की वाइफ थी, इनकी चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी से अपना शादी रचा लिया। ठीक है, ये एक रही कहानी दो भाइयों के बीच की, बात भी सही थी, जिस पिता के दोनों बेटे थे रामगुप्त उस तरह के एक इफिशियंट रूलर नहीं थे, अपने पिता की तरह एक ताकतवर राजा के नहीं थे और ये सब कुछ अपने हार गए और बाद में अपनी पत्नी को भी हार गए। बाद में उनके छोटे बेटे जो छोटे भाई थे रामगुप्ता के और समुद्रगुप्त के छोटे बेटे थे, उन्होंने अपनी पूरी काबिलियत को दिखाया और उन्होंने फिर से सत्ता गुप्ता डायनेस्टी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा कदम रखा।
फिर उसके बाद बात करते हैं एरा ऑफ टेन्योर की, तो 380 से 415 ईडी जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। चंद्रगुप्त टू जो थे किस नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू को किस नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू की जो बेटी थी उनका नाम था डॉक्टर प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त टू की बेटी का क्या नाम था, प्रभावती गुप्ता। क्वेश्चन बनेगा, चंद्रगुप्त टू ने अपने आप को मजबूत करने के लिए वकाटका का राजा से के बेटे से, ठीक है, जिसका नाम था रुद्रसेन, ठीक है, जिसका नाम था रुद्रसेन, रुद्रसेन से अपनी बेटी का शादी रचा देता है। इस अलायंस से क्या होता है, चंद्रगुप्त टू के पास वकाटका डायनेस्टी के साथ संधि हो जाती है और वो अपने आप को और पावरफुल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कंसेप्चुअल की क्लैरिटी वीडियो, ठीक है, पोस्टमार्टम कंसेप्चुअल क्लैरिटी वीडियो, जिसमें आपको समुद्रगुप्त के बारे में हमने और उनके दोनों बेटों के बारे में फुल जानकारी दी, ठीक। ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है अपने नोट में, इनको समझना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कोई चीज़ पूछे तो मेजर चीज़ ये है कि हो सकता है PCS के एग्ज़ाम में कभी मैच द फॉलोइंग पूछ ले, और PCS के एग्ज़ाम में इस तरह भी आ जाए, चाहे UP PCS में आ जाए, चाहे BR PCS में आ जाए, UP PCS, BR PCS, लोअर सबऑर्डिनेट तक भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, थोड़ा सा राइटिंग नहीं समझ आ रहा हो, विक्रमादित्य, नेपोलियन ऑफ इंडिया, महाराजा धीराज, आपसे मैच करने को कर दे पहले से दूसरे को, ठीक है, पहले से दूसरे को आपको मैच करने को कर दे। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा, और लास्ट में लिख दे नन, लास्ट में लिख दे नन, इसमें से कोई भी सही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करने के लिए जरूरी है, आपको याद भी होगा, आपने हमारा वीडियो लेक्चर देखा होगा, ठीक है, वीडियो ऑन था, वीडियो चल रहा है, 7 मिनट का वीडियो हो गया, हम 5 मिनट के अंदर कोशिश कर रहे हैं बिहार स्पेशल को 5-5 मिनट के लिए लाया जाए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना लिया जाए, 5 मिनट में आपको कोई टॉपिक पूरी सरसरी निगाहों से देखें, मगर 7 मिनट हो गया, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा। तो चंद्रगुप्त वन को किसके नाम से जानते हैं, महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त को किसके नाम से, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और चंद्रगुप्त टू को किसके नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपके माइंड में इस तरह से प्रिपरेशन भी चलनी चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। लोअर सबऑर्डिनेट में भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, UPSSC, ठीक है, और BR SSC, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। आपका वीडियो हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, हमारे वीडियो से अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने और दोस्तों तक शेयर कीजिए कि वो भी इस कंटेंट से फ़ायदा अपना उठा सकें और आने वाले एग्जामों में अच्छा प्रदर्शन करके अव्वल नंबर से पास करें, ठीक है, थैंक यू।